हेलो दोस्तों, आपने यह कभी ना कभी तो नोटिस ज़रूर किया होगा या आपके मन में यह सवाल तो ज़रूर उठा होगा कि आखिर पेड़ पौधों की पत्तियाँ यानी लीव्स हरी ही क्यों होती है, यह ग्रीन कलर की ही क्यों पाई जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इस चीज़ को आपके लिए डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ साइंटिफिक इंसान को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों, ज़्यादातर जो पेड़ पौधे हम लोग देखते हैं उनकी पत्तियाँ ग्रीन कलर की ही होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह पत्तियाँ ग्रीन कलर के केमिकल्स से पूरी तरह भरी हुई होती है। इन ग्रीन कलर के केमिकल्स में जो केमिकल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसे क्लोरोफिल कहते हैं, जिसकी मदद से ही प्लांट्स वाटर, एयर एंड सनलाइट का यूज़ करके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर पाते हैं। यानी कि इस प्रोसेस की वजह से ही प्लांट्स अपना खाना खुद बना पाते हैं। यह पूरे प्लैनेट पर चल रही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस में से एक है। इस प्रोसेस की सबसे खास बात यह है कि इसके दौरान जो बाय प्रोडक्ट निकल कर आता है वह ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। इस प्रोसेस से हमारे इन्वायरमेंट में भारी मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज होता है, जिसकी इम्पोर्टेंस आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बिना यह प्लेनेट जीने लायक नहीं बचेगा, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तभी हो पाएगी जब पेड़ पौधों की पत्तियों में ग्रीन केमिकल क्लोरोफिल मौजूद होगा। अब तो आप क्लोरोफिल के इम्पोर्टेंस को समझ ही गए होंगे। दोस्तों, हरी लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, पर कई बार लीव्स पर ग्रीन एंड वाइट या ग्रीन एंड येलो स्ट्रिप्स और स्पॉट्स होते हैं। इन स्ट्रिप्स या स्पॉट्स वाली जगहों पर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता, इसी वजह से इन जगहों पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो सकती। इससे यह बात क्लियर हो जाती है कि लीव्स पर मौजूद सिर्फ ग्रीन पार्ट्स में ही क्लोरोफिल मौजूद होता है, और सिर्फ यही पार्ट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकते हैं, यानी कि अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो अब आप ये बोलोगे कि हमने रेड या पर्पल लीव्स वाले प्लांट्स भी देखे हैं, और इन लीव्स का कलर सिर्फ ऑटम में ही नहीं बल्कि पूरे साल एक जैसा ही बना रहता है। तो दोस्तों, मैं आपके इस ऑब्जर्वेशन की दाद देता हूँ, पर इसका भी जवाब है मेरे पास। इन रेड या पर्पल कलर की लीव्स में भी किसी भी ऑर्डिनरी ग्रीन लीव की तरह ग्रीन केमिकल क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, पर इन लीव्स में बहुत सारे अदर केमिकल्स भी होते हैं जो रेड या पर्पल कलर के होते हैं। इसी वजह से यह लीव्स ग्रीन कलर की नहीं दिख पाती, पर इन लीव्स के डीप डाउन इनसाइड क्लोरोफिल मौजूद है और यह लीव्स ग्रीन कलर की भी है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही साइंटिफिक कंटेंट के लिए साइंटिफिक इंसान को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपको नए साइंटिफिक कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।